हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। इन विच क्लास यू स्टडी बेटा? केजी क्लास। एंड टुडे वी विल वर्क इन इंग्लिश नोटबुक। ओके, आज हम इंग्लिश की नोटबुक में वर्क करेंगे। अगेन देखो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, क्या चल रहा है टॉपिक हमारा? फॉर्मेशन कर रहे हैं हम ए टू जेड की, कैपिटल कर्सिव की। ओके, तो अभी तक हमारी देखो कितनी फॉर्मेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, ए से लेके हमने एच तक कंप्लीट कर लिया। आपने नेक्स्ट असाइनमेंट में क्या किया था? ए टू एच तक का असाइनमेंट किया था आपको। अब आज की वीडियो में हम आई का फॉर्मेशन सिखाएंगे। तो देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फोर लाइन्स की नोटबुक लेनी है जो कि आपकी इंग्लिश की होती है, ठीक है? और इसमें आज हम कैपिटल कर्सिव ए टू एच की पहले रिविजन करेंगे। आफ्टर दैट हम आई की फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे, आई की फॉर्मेशन को अच्छे से सीखेंगे। तो देखो पहले हम ए बनाएंगे, कैपिटल कर्सिव का ए। ध्यान से देखना, जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं कर पा रहे, रॉन्ग बना रहे हैं। ए बी ऐसे बनाना है आपको, टच नहीं करना। सी बी स्टैंडिंग लाइन, डाउन लेके ऊपर जाते हुए सेकेंड लाइन तक आना है, ठीक है? ए बी सी डी, उसके बाद है ई। ई आपको थोड़ा सा बैक की साइड लेके जाना है। एफ जी एंड एच, यहां से ऐसे क्रॉस नहीं करना, इसको यहां तक लेके जाना है, राउंड करके ऐसे करना है, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आफ्टर आता है आई। आज हम करेंगे आई की फॉर्मेशन। अच्छा, आई फॉर क्या क्या होता है? देखो मैम ने क्या क्या बनाया है आई फॉर। देखो सबसे पहले सब बच्चों के पसंद है क्या है? ये आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। तो आज हम करेंगे आई की फॉर्मेशन। अच्छा, आई फॉर और क्या क्या होता है? आई फॉर होता है आइस, आइस मतलब बर्फ, ठीक है? आई फॉर आयरन, आयरन मीन्स होता है प्रेस, प्रेस करती है मम्मा आपकी ड्रेस को, तो उसे क्या बोलते हैं? आयरन। आई फॉर आयरन, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइस, ठीक है? तो आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आई की फॉर्मेशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेकेंड लाइन से स्टार्ट होगी, यहाँ से, ठीक है? तो आप सेकेंड लाइन पे डॉट लगाओगे, एक बार फर्स्ट लाइन में सेकेंड लाइन पे डॉट लगा लेना, ठीक है? हमारा इससे पहले सेकेंड लाइन से क्या स्टार्ट हुआ था? ई, ई हमारा कैपिटल कर्सिव का ई हमारा सेकेंड लाइन से स्टार्ट हुआ था। ए थर्ड लाइन से था, बी फर्स्ट लाइन से, सी भी थर्ड लाइन से, डी भी फर्स्ट लाइन से, ओनली ई हमारा सेकेंड लाइन से अभी तक स्टार्ट हुआ है। बाकी एफ फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ था, जी थर्ड लाइन से और एच फर्स्ट लाइन से। ई के बाद आई की फॉर्मेशन है जो कि सेकेंड लाइन से स्टार्ट होगी। देखो कैसे करना है आपको, आपने सिंपल कैपिटल का आई कैसे बनाया? स्टैंडिंग लाइन ऐसे और ऐसे, सिंपल कैपिटल का आई का। उसके बाद स्मॉल कर्सिव का आई आपने ऐसे बनाया। कैपिटल कर्सिव का आई कैसा है आपको सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है? इधर की साइड स्लिपिंग लाइन लगानी है, नॉट दिस, ठीक है? इस साइड आना है अपनी, यहां से अपनी साइड आना है, ठीक है? एक स्लिपिंग लाइन लगानी है छोटी सी, यहाँ से हम एक स्लैंटिंग लाइन लगाते हुए ऊपर जाएंगे, यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे और इसको ऐसे राउंड कर देंगे। ये बनेगी हमारी आई की फॉर्मेशन। सी अगेन, यहाँ से सेकेंड लाइन से अपनी तरफ एक स्लिपिंग लाइन लगाएंगे, वन टू पे एक स्लैंटिंग लाइन लगाएंगे और थ्री पे नीचे बिल्कुल आके फोर पे राउंड कर देंगे। बट इससे ऐसे नहीं करना, इस चीज को क्रॉस नहीं करना, इस चीज को बहुत दूर नहीं करना, ठीक है? कैसे करना है? बिल्कुल टच करते हुए, ये है। ओके, अब देखो स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू
थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर। आपको आप जब स्टैंडिंग लाइन लगाओ तो आपकी स्लिपिंग लाइन को ये टच होनी चाहिए, ठीक है, इससे बहुत दूर नहीं होनी, ऐसे गैप भी नहीं होना चाहिए, कट भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसको टच करती हुई नीचे की साइड आ जाएगी, ठीक है। फिर से देखो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, कितने स्टेप है, फोर। वन पे स्लिपिंग लाइन, टू पे स्लैंटिंग लाइन, थ्री पे स्टैंडिंग लाइन एंड फोर पे राउंड। वन पर अपनी साइड स्लिपिंग लाइन, सेकंड पे स्लैंटिंग लाइन, थर्ड पे स्टैंडिंग लाइन लगाते हुए राउंड। वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है। ऐसे आपको बनानी है आई की फॉर्मेशन, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत इजी है, फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। और आई की फोनिक साउंड क्या होती है, देखो आई की फोनिक साउंड होती है ई, ठीक है, ई होती है इसकी फोनिक साउंड, क्या होती है, ई। ई से इग्लू भी होता है, ठीक, और हम आ भी बोल सकते हैं, बिकॉज हम बोलते हैं आइसक्रीम, ठीक है, तो उसमें ई की साउंड नहीं आती, तो आ भी होती है और ई भी होती है, ठीक है। आइसक्रीम, आयरन, ठीक है। अच्छा, आई फॉर इंक पोट भी होता है, उसमें किसकी साउंड आ गई, ई की साउंड आ गई। ई फॉर इग्लू होता है, उसमें भी ई की साउंड आ गई, लेकिन कईयों में आ की साउंड भी आती है, आयरन, आइस, आइसक्रीम, ठीक है। तो हम आ और ई दोनों ही इसकी फोनिक साउंड समझते हैं, तो आपको आई की फॉर्मेशन क्या प्रैक्टिस करनी है और इसकी फोनिक साउंड को भी ध्यान में रखना है, इसके फाइव वर्ड्स भी लर्न करने हैं, ओके। कौन कौन सी है हमारे, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइस, आई फॉर इंक पॉट, ठीक है, आई फॉर इग्लू, ठीक है। अच्छे से वर्क करना, मैम को सेंड करना, कोरोना टाइम है, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, बाहर की कोई चीज भी नहीं खानी, अपने हैंड को बार बार वॉश करते रहना है और अपने मम्मी पापा का कहना भी मानना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।